हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा खान और आज मैं बना रही हूँ 6 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ मैगी। पहली है कोरियन चीज़ मैगी मैंने बनाई है, जिसके लिए सिर्फ 1.5 कप मैंने पानी लिया है। हर मैगी में यही करना है, 1.5 कप पानी लेना है, मैगी डालनी है उसके अंदर जो भी था आपका पाउच। और इसके अंदर ना 2 पाउच अवेलेबल थे, तो पहले मैंने 1 पाउच डाल दिया मसाले वाला, चीज़ वाला बाद में ऐड करा है। जब मैगी अच्छे से बन गई है तब मैंने चीज़ वाला पाउच ऐड करा है। बहुत ज़्यादा चीज़ी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, अच्छी लगी मुझे, मगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ी हो गई थी, तो बस मतलब मैं प्रेफर नहीं करूँगी डेली डेली ये खाने के लिए। लेकिन हाँ, 1-2 बार आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। ये कोरियन चीज़ मैगी थी, ठीक लगी मुझे। नेक्स्ट जो है मैंने ट्राई करी मंचूरियन मैगी। तो मंचूरियन चिंग्स का बहुत सुना है, और चिंग्स सीक्रेट टाइप वो भी आते हैं, सूप आते हैं, सब कुछ सेम वही रेसिपी ट्राई किया मैंने। 1.5 कप पानी लिया, मैगी डाल दी, और जो इसमें एक ही पाउच निकला था मसाले का, तो सिंपल बस वो एक पाउच मैंने इसके अंदर खोल के डाल दिया। और अच्छे से फिर मैंने इसको पका लिया, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसको सूपी बनाया, ताकि मंचूरियन थोड़ा मुझे सूपी वाला वो आ रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको सूपी रखा। ठीक थी ये भी, सही लगी मुझे, अच्छी लगी। लेकिन मैंने पहले चीज़ी वाली ज़्यादा खा ली थी, उसमें थोड़ा स्पाइसी भी थी, चीज़ी भी थी, तो ये मतलब नॉर्मल फ्लेवर लगा। बच्चों के लिए बढ़िया है मंचूरियन, आप उनके लिए बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने ट्राई करी है, वो मैंने ट्राई करी एक स्पाइसी मसाला करके मैगी थी वो, तो उसके लिए भी मैंने वही करा। सबके लिए मैं नाप के ही पानी लेती हूँ, 1 कप पानी डाला है, ये मैंने आधी कप पानी और डाला, 1.5 कप पानी मैंने हर मैगी में यही करा, 1.5 कप पानी डाला है, गैस पे रख दिया है। ये स्पेशल मसाला टाइप करके मैगी थी, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करी जाए बस। और इसमें मैंने पहले पाउच डाला, बाद में मैगी का पैकेट डाला था, ऐड किया था इसमें, तो पहले पाउच डाल दिया, उसके बाद हल्का सा खोल गया, तब ये जो इसके अंदर स्पाइसी मसाला वाली मैगी थी ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और अच्छे से चला लिया। इसको भी मैंने थोड़ा सा सूपी टच दिया, और अच्छी थी ये, टेस्ट में बढ़िया थी ये मैगी, अच्छी लग रही थी मुझे खाने में, बहुत ना चीज़ी ना स्पाइसी, बढ़िया थी। ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद मैंने जो है दूसरी मैगी ट्राई करी, कोरियन की हॉट एंड स्पाइसी वाली मैगी आती है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैगी होती है, तो मैंने वो ट्राई करी थी। इसमें भी सेम प्रोसीजर मैंने लिया, ये है हॉट एंड स्पाइसी वाली मैगी कोरियन। इसमें भी 1.5 कप पानी डाला मैंने, अच्छे से इसको बॉईल कर लिया, और फिर बहुत मतलब स्पाइसी और चटपटी बनी थी, मसालेदार बनी थी। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको पहले, तो बस इसमें ये डाला, इसके अंदर जो है 2 पैकेट आए थे। पहले मैंने हल्का सा इसको वो कर लिया, सॉफ्ट कर लिया, जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो फिर पहले मैंने इसके अंदर 1 पैकेट मसाले का डाल दिया। इसके अंदर 2 पैकेट आए थे, एक ऑयल सा भरा हुआ था उसमें, तेल था, और एक इस तरह का मसाला था ग्रीन पैकेट में, तो पहले मैंने वो मसाला डाल दिया और इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया मैंने। इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी इसमें बनाने में, जब ये अच्छे से मैंने मसाले को इसमें मिक्स कर लिया, उसके बाद फिर मैंने उसका वो जो वाइट कलर का पाउच आया था एक, उसमें तेल सा था कुछ, वो इसमें ऐड करा, तो ये बहुत, जैसे अचार का तेल नहीं होता इस टाइप की स्मेल आ रही थी, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी ये मैगी, इतनी स्पाइसी थी कि मेरा तो सच्ची मुँह जल गया था खा के इसको, बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसी थी ये मैगी, कि मतलब डेली डेली आप नहीं खा सकते इसको, कभी कभी इंजॉय कर सकते हैं, कभी कभी वंस इन अ वाइल, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैगी थी है। तो ट्राई करिएगा, ट्राई करने में मज़ा आता है नई नई मैगी, तो मैंने इसमें 6 तरह की मैगी ट्राई करी थी, तो अच्छी लगी, ठीक लगी बस मुझे। बच्चे नहीं खा सकते इसको बिल्कुल भी, वेरी स्पाइसी, ठीक है, कभी कभी मुंह चटपटा करने का दिल हो तो खा सकते हैं। अच्छा, रामेन मैगी मैंने बहुत नाम सुना है, रामेन मैगी, रामेन नूडल्स, तो मैंने सोचा ये तो ज़रूरी ट्राई करना बनता है, तो बस मैंने इसको भी ट्राई करना सोचा, तो फिर मैंने वही सेम पैन ले लिया जिसमें मैंने वो बनाई थी कोरियन वाली, उसी में मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया। जब अच्छे से थोड़ा सा पानी बॉयल हो गया, तो ये मैंने इसमें रामेन नूडल्स का पैकेट, इसमें एक ही पाउच आया था, वो ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने। बस ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया,
और इसको भी थोड़ा हल्का सा मैंने पका लिया हल्का सा, जब ये थोड़ी सी गर्म हो गई तो इसके अंदर एक ही पाउच था मैगी का, तो फिर मैंने वो इसके अंदर जब ये हल्की सी हो गई थोड़ी सॉफ्ट हो गई तब मैं पाउच ऐड किया मैंने इसके अंदर जो इसमें आया था, और अच्छे तरह से उसको मिक्स कर लिया, बिल्कुल उसका पानी को ड्राई कर लिया, सूपी नहीं बनाई मैंने ये बिल्कुल भी। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसे सर्व किया, अच्छी लगी मुझे ये, क्योंकि मैंने इसे पहले बहुत ज़्यादा स्पाइसी कोरियन मैगी खाई थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी तो ये मुझे कम स्पाइसी लग रही थी, लेकिन अगर आप अलग से इसको खाएं तो ये अच्छी लगेगी, खाली यही टेस्ट करें तो ये अच्छी थी, लेकिन जितना नाम सुना है रामन नूडल्स का उतना मुझे मज़ा नहीं आया इसमें। तो ट्राई कर सकते हैं ये भी, बच्चे अच्छे सब खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, ठीक थी बस। इसके बाद मैंने ट्राई करी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यिप्पी नूडल्स, बहुत ही ज़्यादा पसंद है यिप्पी वाली मैगी जो आती है, जो पहले इसमें थोड़ी वेजीज भी होती हैं, इसके जो मसाला का जो पाउच होता है उसमें वेजीज होती हैं, बस वही सेम करा मैंने जिस सब में मैंने किया है, 1.5 कप पानी डाला, और ये पहले 14 रुपये का ये पैकेट आता था, 12 रुपये का आने लगा है, तो बस मैंने ये गोल में आती सारी जितनी भी मैगी थी सब स्क्वायर में आई थी जितनी भी मैगी मैंने बनाई है अभी तक, और ये वाली गोल आती है ये पी नूडल्स होती है पी वाली मैगी। तो बस इसको हल्का सा सॉफ्ट कर दिया, उसके बाद जो इसके साथ पाउच आया था वो पाउच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, पैकेट जो था इसके साथ वो इसमें ऐड कर दिया। मुझे ये इसकी में जो वेजीज होती है ना इसके पैकेट में जो आती है वो बहुत अच्छी लगती है, ये पी नूडल्स में हल्के हल्के कैरेट्स होती हैं, क्या क्या होता है उसमें मिक्स हुआ हुआ, बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल अच्छे से वो कर लिया, सारा पानी इसका एब्जॉर्ब हो गया तब तक मैंने किया, और फिर मैंने इसे सर्व किया। ये पी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगी, टेस्टी लगी, ये पी ज़रूर ट्राई करिएगा। बस ये थी 6 मैगीज़ जो मैंने आपके साथ ट्राई करी हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये तीनों मैगीज़ हैं, जैसे ये है स्पाइसी वाली, अभी जो लास्ट मैंने 3 बनाई हैं, और ये वो है रामन नूडल्स, और ये वो है यिप्पी नूडल्स। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।